नमस्कार, आप देख रहे हैं हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस और आज हमारे साथ मौजूद है हसनपुरा एमएच नगर थाना क्षेत्र के उसरी खुर्द निवासी सोएब अनवर और उनकी धर्मपत्नी अमीना खातून। मैं आपको बता दूं कि अमीना खातून और सोएब अनवर का कहना है कि प्रतिदिन इनके भसुर और इनके बड़े भाई इनको टॉर्चर करते हैं, लेकिन आज जो कुछ हुआ इन लोगों के साथ में वो अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है और बहुत खतरनाक हुआ। मैं आपको बता दूं कि ये एक ऑटो चालक हैं और आज एक रॉन्ग नंबर से फोन आता है इनके पास कि हमें कहीं जाना है रिजर्व के लिए, और जब ये उस स्थान पे पहुंचते हैं तो उनके भाई द्वारा इन पे हमला कर दिया जाता है, जो कि इनको अंदाजा भी नहीं था कि क्या वो हमारे कस्टमर हैं या मेरे भाई घात लगाकर मुझे बुलाए हैं, और इनके ऊपर हमला कर दिया जाता है और हमले से इनका सर में और नाक में काफी चोट आया हुआ है और ये डरे सहमे से अपने पत्नी को अपने प्रोटेक्शन के लिए फोन करते हैं, बचाव के लिए। हालांकि इनके साथ में कोई नहीं है तो अपने पत्नी को याद करते हैं अमीना खातून, और अमीना खातून को फोन करते हैं और बुलाते हैं कि जल्दी आओ नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। अमीना खातून आती है वहां पर और जैसे ही अमीना खातून पहुंचती है उनके साथ भी इनके भसुर, अमीना खातून के भसुर और इनके भाई उन पर भी हमला करते हैं, और देखिए हमला ऐसा करते हैं कि इनके सर फट जाता है और इनका सर पे बहुत ज्यादा चोट आया है। आज हमारे साथ ये दोनों व्यक्ति मौजूद हैं, हम जानेंगे कि इस घटना के पीछे की वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। आइए मिलकर इन लोगों से बातचीत करते हैं। हम कैसे ये घटना हुआ? हम सुबह के टाइम में सिवान से हम थे ना, तो मालूम पड़ा कि घर में हमारी औरत फोन की कि हमारे साथ ऐसा ये कर रहे हैं हमारे भसुर। फिर हम आए, आने के बाद हम लोग से थोड़ा बहुत बातचीत हुआ, होने के बाद हम निकल गए। हम जा रहे थे महाराजगंज जा रहे, तो बीच में हमारे पास रोल नंबर से फोन आया। फोन आने के बाद से हमको क्या बोल रहा आदमी कि यहाँ पर आ जाइए, हमको जाना है। हम बोले कि हम हसनपुरा आ गए हैं। वहाँ जाने के बाद से करमासी से पहले एक करमासी से पहले एक तालाब पड़ता है, तालाब के पास हमको उसने हमको बहुत मारा। मारने के बाद से अपने पत्नी के पास हम फोन किए, फोन करने के बाद से अब फोन किए, उसके बाद से बोले कि आओ हमारे पास, ऐसा हमारे साथ घटना हो गया। फिर आया, आधा दूर पे आई, उसके बाद से वो फिर हमको भी मारा दोबारा, और मार करके हमारा भी पूरा पत्थर से मारा, यहाँ पे पत्थर से मार करके पूरा ये हमको पूरा ये सुन हो गया है, काम नहीं कर रहा, नाक से खून आ रहा है। जो हुआ आपको मारे, क्यों मारे, क्या कारण है, घटना होने का कारण क्या है? घर पर हुआ है ना, घर पर हमसे वो झगड़ा किए, हमारे हस्बैंड गए घर पे, सिवान से आए, पानी के लिए झगड़ा हुआ, नल के लिए। क्यों, नल आपका है क्यों? हमारा है और हम अपने घर पे दिखाएंगे थाना को ले जाके, हमारा नल जो है उसमें से पानी है। आप लोग साथ में रहते हैं? हाँ, सब लोग साथ में ही रहते हैं, सभी लोग पानी नहीं, उनका नल अलग है, अपना बंद कर दिए हैं लड़ाई झगड़ा करने के लिए। हमको हमेशा टॉर्चर करते हैं, आज मरने का इरादा था, इसलिए हमारे टोटी से पानी निकाले और हम मना किए तो हमसे झगड़ा किए, ठीक है। उसके बाद हमारे हस्बैंड को मारे, पहले वही मारे, ई मार दिए, उसके बाद बदला लेने के लिए फोन किए रॉन्ग नंबर से, इनको हसनपुरा आके पत्थर से मारे हैं और ये हमको फोन किए हैं। पानी का जो विवाद, पानी के सारा जड़ पानी का, हाँ सारा जड़ पानी का है, उनका अलग टोटी है, हमारा अलग है, वो आपके जो भसुर है हमारे, हाँ मोहम्मद जमील अनवर। अच्छा, झगड़ा करने के लिए वो इसीलिए हमारा टोटी छुए, उनका मारने का इरादा था इसलिए वो हमारा नल छुए हैं। आप लोग आवेदन दिए हैं? हाँ, हम लोग आवेदन दिए हैं थाना पर और हमको धमकी दिए हैं दोनों आदमी को, धमकी मिला, हाँ फिर मारने के लिए। हम इनके नंबर पे फिर फोन आ रहा है कि अभी मारे हैं और मारेंगे। अच्छा, धमकी भी दे रहे हैं। क्या मांग करते हैं आप लोग? आ? मांग क्या करते हैं प्रशासन से? हम लोग प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हम लोग का जो हिस्सा है वो दिलवा दे, हम लोग बांट बखरा लगवा दे, हमारा हमारा घर अलग हो जाएगा तो हमको नहीं ना मारेंगे, हमारा अलग हो जाएगा तो नहीं, तो हमेशा मारते हैं, कहते हैं कि हमारा बनाया हुआ है, वही पैसा दिए हैं, ठीक है, ये 10,000 दिए हो, 50,000 दिए, फिर कुछ भी दिए हैं ना, अब उनका कहना है कि हमारा घर है, हमारा नल है, हमारा टोटी है, हर चीज हमारा है, इसीलिए वो हम लोग को मारते पीटते हैं, ये लेके 3 बार इनका सर फोड़ दिए। नाम बताइए। हमारा नाम अमीना खातून है। आपका? मोहम्मद सोएब अनवर। तो पानी दुश्मन को भी पिलाया जाता है और ये विवाद का जड़ है पानी, यानी पानी भरने को लेकर विवाद हुआ है। ये कलयुगी भाई का ये साफ चरित्र दिखाता है कि आज जो कलयुग में भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। पानी भरने के विवाद को लेकर ये मारपीट इतना खतरनाक हो गया कि ब्लॉडिंग
दोनों लोग का हो रहा है और ये नाक और सिर से इनका ब्लड आ रहा है, नहीं रुक रहा है ना, तो ब्लड नहीं रुक रहा है। ये कलयुगी भाई का दृश्य है, देखिए बड़े भाई हमला किया है इन दोनों पे और ये लोग थाना में आवेदन भी दिए हैं, मांग भी कर रहे हैं। देखते रहे हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस नए अपडेट के लिए। जय हिंद।